हेलो फ्रेंड्स, आज रे वीडियो रे हमें पढ़िबा हमरा ओडिशा फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ। ओके, वाइल्ड लाइफ रे जो जीके अछि माने वन्य पशु संपद विषय रे जो जीके अछि हमरा ओडिशा फॉरेस्ट गार्ड रे जहाँ आसीबो ताकु नेके हमें पढ़िबा। ओके, मेन बेसिक हमरो जहाँ जहाँ वाइल्ड लाइफ थिला मु तीनटा आपन को काली वीडियो रे मु डिस्कशन करथिली। ओके, फर्स्ट थिला हाथी अभयारण्य, तापर बाघ अभयारण्य, तापर कुंभीर अभयारण्य। ओके, तो आज आउ दुईटा अभयारण्य थिला बाकी ताको आज आम कंप्लीट करिवा। गोटे हला सी टर्टल माने समुद्र कईच, आउ गोटे ब्लैक बक जो हरिण अच्छी। ओके, ये दुईटा अच्छे आम दुईटा आज कंप्लीट करिवा। ओके, एवं आपण मानक बहुत धन्यवाद, पूर्व वीडियो गुडा भल लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करले से बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो को मध्य लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करूँ। ओके, तो चलो स्टार्ट करिवा देखिवा। एक्चुअली आमर जो फॉरेस्ट गार्ड रे जो एग्जाम हो ताकु मेन आम ओडिशार जी आमर फॉरेस्ट फॉरेस्ट विषय रे किंबा फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ वन्य जंतु विषय रे संपूर्ण भाव जानकारी थी दरकार। ओके, तेणु आम देखियो। तो फर्स्ट है ओडिशा सी टर्टल कंजर्वेशन। ओके, सी टर्टल माने समुद्र कईच। ओके, तो आमर गहिरी मठ गोटे जगह अच्छी, गहिरी मठ भितरकनिका अफ केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट, केन्द्रापड़ार भितरकनिकार गहिरी मठ जगह को आमर डिक्लार मेराइन ऑलिव रिडले टर्टल कंजर्वेशन सेंचुरी इन सेप्टेम्बर 1997। ओके, 1997 भारत सरकार द्वारा आमर जो जातीय वन्य जंतु संरक्षण केन्द्र भाव में घोषणा कराला क्या गहिरी मठ को। ओके, कौपाई कारण सही ऑलिव रिडले कईच देखा जाती। ओके, ऑलिव रिडले कईच गहिरी मठ को भारत सरकार द्वारा 1997 सेप्टेम्बर मस जातीय कंजर्वेशन भाव घोषणा कराला। ओके, तापर नेक्स्ट है ओडिशा हाज थ्री सी टर्टल साइट, माने जो आमर ओडिशा रे जो कईच देखा जाती मुख्यतः तीनोटी जगह रे देखा जाती एवं से तीनोटी जगह को कंजर्वेशन करा जाए। ओके, सुरक्षा प्रदान करा जाउछि। गोटे फास्ट है तो आम डिस्कशन गहिरी मठ बहुत इम्पोर्टाट। ओके, तापर सेकेंड है देवी आउ ऋषिकुल्या रिवर, देवी आउ ऋषिकुल्या रिवर रो माउथ, माने माउथ माने जो नदीटा आमर समुद्र जो मिसी से जगह से कहती माउथ कहती। ओके, तो देवी नदी रो माउथ रे भी देखा जाती, ऋषिकुल्या रिवर रो माउथ रे मध्ये देखा जाती कौन सी टर्टल्स। ओके, ये विषय एतिक आमर। ओके, तापर पढ़िया ब्लैक बक कंजर्वेशन। ब्लैक बक कंजर्वेशन कला हरिण आपण माने देखिथिबे। ओके, ब्लैक बक गूगल रे आपण सर्च कर देबे तार इमेज मध्ये पाइजिबे जानिपरिये केमिति। ओके, तो आमर ओडिशा रे इन ओडिशा प्लेंटी ऑफ इंडियन ब्लैक बक, आम ओडिशा रे इंडियन ब्लैक बक बहुत देखा जाती। ओके, तार जूलोजिकल नाम ना हैला एंटीलोप सर्विकाप्रा। ओके, जो ब्लैक बक हरिण अच्छी, तो आम ओडिशा रे तीन प्रकार हरिण देखा जाती, गोटे है कृष्णसार मृग, गोटे है बाली हरिण, आ गोटे है कला बाउतीस बाउतीस। ओके, सॉरी स्पेलिंग टी मिस्टेक कर देती, यहाँ हूँ कला बाउतिया। ओके, बाहुतिया। ओके, कला बाहुतिया एटा। ओके, तीन प्रकार हरिण आम ओडिशा देखा जाती, गोटे है कृष्णसार मृग, गोटे बाली हरिण, आ गोटे कला बाहुतिया हरिण। ओके, तापर है ब्लैक बक इज कंजर्व अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। जो आमर वाइल्ड लाइफ एक्ट वन्यजंतु संरक्षण जो नियम अधिनियम 1972 द्वारा आमर ये कला हरिण को भी सुरक्षा प्रदान करने तार नियम बनागला, माने ताकू जी मार तार शिकार कर आईनगत दंड मिल घोषणा कराला वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 रे। ओके, तापर आम भारत टोटल ब्लैक बक केते अच्छा कला हरिण आमर अच्छा 10,000 पूरा इंडिया रे। ओके, इन ओडिशा देर आर ओडिशा के केतटा ब्लैक बक अच्छा हरिण कला हरिण 800 रु 900। ओके, तापर ये ब्लैक बक ओडिशा कोटे कोटे अच्छा, गोटे बालेश्वर, पुरी, बलांगीर, कलाहांडी,
ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଏ, ତ ହେଉଛି ୟୁଏସ୍ଏ। ଓକେ, ୟୁନାଇଟେଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକାରେ ଅଧିକା ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍, ଏ ଯେଉଁ ହରିଣ ସେମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଲାଇଫ୍ କେତେ, ସେମାନେ 12ରୁ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରୁହନ୍ତି। ଓକେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ଭଲ ଭିୟୁ ହେଲା, ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଆମର ଏଇ ଦୁଇଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସରିଗଲା, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବି। ଏବଂ ୟା ପରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଥିଲା ବାକି ଆମେ ପଢ଼ିବାର, ତାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ଓକେ, ଆମର କେବଳ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଶିମିଳିପାଳ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଙ୍ଗଲ ଡିଭିଜନ, ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ଆମର ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଯେତିକି ଡିଭିଜନ ଅଛି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼େଇବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।